तो ये हमने आपको ग्रामीण आबादी का मूड बताया। अब आपको लिए चलते हैं बागपत की शहरी विधानसभा क्षेत्रों में और जानने की कोशिश करते हैं कि शहरी आबादी आकर चुनावों के लिए क्या मूड बना रखी है। चलिए चलते हैं। क्षेत्रों का मूड जानने के बाद अब हम आ गए हैं शहरी सीट पर और जानते हैं यहाँ की शहरी आबादी क्या सोचती है, आगामी विधानसभा चुनाव के लिए क्या बना रही है यहाँ की जनता मूड। चुनाव तो ये बीजेपी की सरकार है जी, बीजेपी ही रहेगी। अच्छा। और हम भी सब दुकानदार हैं जो बीजेपी की तरफ से ज्यादा खड़े हैं, सब बीजेपी आनी है। क्या बीजेपी ने किया है जिसकी वजह से? काम तो काफी करे हैं, व्यापारी वर्ग के लिए सेफ पॉइंट के हिसाब से भी है। अच्छा। कह सकते हैं उसको आप। अभी तो देखिए मिश्रित रुझान अभी किसी एक पार्टी का नहीं है, सभी का है। आने वाले टाइम में कुछ ज्यादा चलेगा। अच्छा। क्या मूड बना रही है शहरी क्षेत्र बागपत की जनता? बैठा मूड तो जी, जिसका नसीब होगा उसका करेंगे जी। अच्छा। अभी तो कोई पता नहीं। कुछ सोचा नहीं किस पार्टी को वोट देंगे? अभी कुछ नहीं सोचा। बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। व्यापारी वर्ग बीजेपी के साथ? ऐसा बीजेपी के साथ। क्या मुद्दे हैं शहरी क्षेत्र में? मुद्दे जो हमारी सड़क वड़क थी सब काम करवाए हैं बीजेपी ने। योगी जी आएंगे? योगी जी, योगी जी और मोदी जी आएंगे बस। क्या बात है, बहुत सारी रैलियां करते हैं मोदी जी, योगी जी जो भाषण देते हैं, योजनाओं का जिक्र करते हैं, योजनाओं का फायदा धरातल पर है? बिल्कुल है जी। सबको किस किस योजना का फायदा मिल रहा है? हमें तो सब अपने ठीक मिल रहा है, सब कुछ जो हमारे साथ हम बिजनेस कर रहे हैं ठीक है हमारे हिसाब से। अब कहते जी बदले की सरकार भी रहने की नहीं। अच्छा, ऐसा क्यों? इन्हें तो परेशानी कर रखे बहुत। गन्ने का मूल नहीं मिल रहा अच्छे से? अजी गन्ने का मूल तक वो कर ला, गन्ने का 2 रुपए बढ़ा दिए 5-4 साल तक बाप नहीं बैठा, इनमें पूरे बैठ रहे भूखे मर गए। दिक्कत लिया है जी, जैसा मान लिया किसान गन्ना घेर दिया, सवाल बोलो रुपान चाहता उन्हें जब तू पीछ का देवे बच्चों को, जैसा मान लिया शादी भी कर लड़कियों की बेटियों की, अपने घर में और भी काम है कहाँ से खर्च करेंगे, पैसा मिलता ही नहीं। पिछले साल जो गन्ना गया था अब पैसा मिला। प्रदेश सरकार के वादे कुछ पूरे हो रहे हैं कुछ नहीं हो रहे हैं। किसान की समस्या सबसे बड़ी यही है कि उनका पेमेंट 14 दिन में नहीं हो रहा। रैली वाली चलेगी जी। अच्छा, क्या कर रही है पिछली सरकार? ये कर रही जी, बढ़िया काम कर रही। बीजेपी से कुछ नहीं, आरएलडी को चुनने की बात कह रहे हैं जी। कई किसान तो आरएलडी के पक्ष में जा रहे हैं। हाँ जी, ये तो सब कोई उधर जा कोई उधर जाएगा जी। लोकदल के देंगे वोट मैडम, लोकदल के लिए। तो क्यों, बीजेपी तो कह रही है कि उसने 25 रुपए बढ़ा दिए। 32 रुपए बढ़ा दिए, कै साल में बढ़ाए, कहा बढ़ाए? 32-20-25 बढ़ाए, 5 साल में 25 रुपए के बढ़ाए। मांग क्या है? क्यों मिल ला गन्ना मिली हुई सिल्यू नहीं चल के दे रहे हमारा तो, और मांग के करें? मांग क्या है, मांग क्या है आपकी? मांग यही है ना, तो हमारे बिल की मांग इन्होंने कुछ नहीं करा, झूठी पार्टी बीजेपी। मोदी मोदी मोदी। अच्छा, मोदी मोदी के नाम पर योगी हा? हाँ। क्या पसंद आता है योगी मोदी में इतना? काम ठीक कर रहा हो जैसे कि कुछ बताइए हमें भी एक दो। बस सारे काम ठीक कर रहा, वो राशन भी बांट रहा और सामान भी बांट रहा, गैस चूल्हा भी बांट रहा, हमें तो नून बढ़िया लगा। वो ना वोट बीजेपी की, एक बात बताओ तेल कहाँ जा लिया, पेंशन कहाँ बुड्ढू की, वो कहाँ है वो महंगाई कितनी है जी, ये 2 किलो अनाज में इसमें पूरा पड़ जाएगा लोगों का। आरएलडी चाहिए आरएलडी। ऐसा क्यों, क्या खासियत है? बीजेपी ने तो खराब ही कर दिया सारा काम, मेरे मेरा ही कर दिया खुद का। हाँ, बेकार बीजेपी सरकार नहीं चाहिए। तो बीजेपी वाले हैं जी, बीजेपी को वोट देंगे, उससे बढ़िया पार्टी नहीं है कोई। गढ़ तो ये आरएलडी का है, फिर बीजेपी कैसे बढ़िया? अरे नहीं मार लिया तो बीजेपी क्यों, बीजेपी की वोट इनके नहीं निकली, कहाँ निकली क्यों, इनके बीजेपी का नहीं है विधायक, नहीं है बीजेपी से।